नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का बेटू पॉलिटेक्निक पर फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका सितंबर 2020 में पूछा गया है ठीक है ये आपका फोर्थ सेमेस्टर बिहार पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो चलिए इसका हम लोग बीसो ऑब्जेक्टिव जो है वो देखेंगे मेरे प्यारे साथियों आप सभी देख सकते हैं ग्रुप ए का बीसो ऑब्जेक्टिव आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वह द फ्लोइंग इज मोनोक्रोम टीवी सिस्टम आंसर आपके सामने है फाइव टू फाइव लाइन ये आपका मोनोक्रोम टीवी सिस्टम है नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोड्स इन ए कैथोड ट्यूब इज यूज टू डैश इलेक्ट्रॉन्स तो यह इसका यूज प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन का होता है तो द इलेक्ट्रोड्स इन ए कैथेड रोट रे ट्यूब सी आर टी इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स ठीक है नेक्स्ट है टू हैव परफेक्ट रिट्रेस इन द रिसीवर डैश सिग्नल इज यूज टू हैव परफेक्ट रिट्रेस इन द रिसीवर डैश सिग्नल इज यूज सिंक सिग्नल इज यूज ऑप्शन ए फोर्थ क्वेश्चन है द वर्क ऑफ मूविंग क्वाइल माइक्रोफोन इज बेस्ड ऑन हुइच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल तो यह बेस्ट है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हिच पावर सप्लाई इज यूज इन द मोनोक्रोम टीवी रिसीवर ऑप्शन सी एसएमपीएस एसएमपीएस टीवी रिसीवर पाव कौन सा पावर सप्लाई तो एसएमपीएस पावर सप्लाई का उपयोग किया जाता है मोनोक्रोम टीवी रिसीवर में नंबर क्वेश्चन है व्हिच थ्री कलर्स आर यूज इन कलर टी वी ट्रांसमीटर बताना है कि रंगीन टी वी ट्रांसमीटर में किन तीन रंगों का प्रयोग किया जाता है रेड ग्रीन ब्लू ऑप्शन ए राइट आंसर सेवेंथ क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स मोर पिक्सल डू एन एच डी टी वी हैव देन द रिजोल्यूशन ऑफ़ एनालॉग सिग्नल इन ए डी टी वी एनालॉग सिग्नल डी के रेजोल्यूशन की तुलना एच डी में कितना गुना अधिक पिक्सल होता है छ गुना अधिक पिक्सल होता है एच डी में किसके सापेक्ष में तो डी के अपेक्षा में छः गुना ज़्यादा एच डी में पिक्सल्स होते हैं एट नंबर क्वेश्चन है Which of the following television uses a lens after a picture tube to enlarge the picture? कौन सा ऐसा टेलीविज़न है जिसमें लेंस का उपयोग पिक्चर ट्यूब के बाद में किया जाता है टेलीविज़न चित्र को बड़ा करने के लिए पिक्चर ट्यूब के बाद लेंस का उपयोग करता है प्रोजेक्शन ऑप्शन बी प्रोजेक्शन जिसको आप प्रक्षेपण भी कर सकते हैं व्च ऑफ द फ्लोइंग इन ग्रोसमैन लॉ इक्वेसन ग्रॉस मैं लॉज इक्वेसन निम्न में से कौन है जो ग्रॉस मैन लॉ इक्वेसन है वाई बराबर पॉइंट थ्री आर प्लस पॉइंट फाइव नाइन जी प्लस पॉइंट वन वन ब्लू ठीक है ये वाला आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया इज द पीरियड ऑफ वन स्कैनिंग लाइन इन कंपोजिट वीडियो सिग्नल समग्र वीडियो संग्रह में एक स्कैनिंग लाइन की अवधि क्या होती है ट्वेंटी माइक्रोसेकेंड अगर म्यू और एसको माइक्रोसेकेंड अगर बोले तो नेक्स्ट है आपके व्हाट विल बी द वोल्टेज इफ द पिक्चर इज डार्कर इन कंपोज़िट कंपोज़िट वीडियो सिग्नल यदि कंपोज़िट वीडियो सिग्नल में चित्र गहरा है तो वोल्टेज क्या होगा जब पिक्चर जो है वो डार्क हो तो वोल्टेज क्या होगा अधिक होगा हाइयर होगा ज़्यादा होगा ट्वेल्थ नंबर है विच स्टेट ऑफ मेटर इज यूज इन प्लाज्मा टीवी? पदार्थ की किस अवस्था का उपयोग प्लाज्मा टीवी में किया जाता है फोर्थ ठीक है फोर्थ स्टेट ऑफ मेटर यूज इन प्लाज्मा टीवी। वी थर्टींथ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिजोल्यूशन ऑफ थ्री डी टी वी थ्री डी टी वी का रिजोल्यूशन क्या है देख लीजिए वन थाउजेंड ट्वेंटी इंटू सेवन सिक्सटी एट पिक्सल नेक्स्ट क्या है द वर्किंग ऑफ क्रिस्टल माइक्रोफोन इज बेस्ड ऑन व्इच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल क्रिस्टल माइक्रोफोन का वर्किंग है किस पर बेस्ड होता है किस प्रिंसिपल पर तो पीजो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट पे बेस्ड होता है ऑप्शन सी फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है व्इच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोफोन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट्स एंड वेलोसिटी माइक्रोफोन द प्रबंधता और बेग माइक्रोफोन भी कहा जाता है किस माइक्रोफोन को तो रिबसन रिबन रिबन को बोला जाता है प्रेशर ग्रेडियंट्स एंड फिलोसिटी माइक्रोफोन विच मल्टीप्लेक्स सिस्टम इज यूज फॉर द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ स्टेरियो साउंड देखिये मल्टीप्लेक्स सिस्टम का उपयोग किया जाता है स्टेरियो साउंड को प्रसारण के लिए कौन है ऐसा मल्टीप्लेक्स सिस्टम एफएम एफएम जो होता है वो आपके ब्रॉडकास्टिंग ऑफ स्टेरियो साउंड है एफएम एफएम मल्टीप्लेक्स सिस्टम का उपयोग ब्रॉडकास्टिंग ऑफ स्टूडियो साउंड के लिए किया जाता है नेक्स्ट है सत्रह नंबर क्वेश्चन द आउटपुट ऑफ माइक्रोफोन फेड इन पी एस सिस्टम गोज़ टू डैश पी एस सिस्टम के फिड के लिए माइक्रोफोन का आउटपुट डैश हो जाता है तो मिक्स स्टेज मिक्सर स्टेज नेक्स्ट है अट्ठारह नंबर द मोस्ट सुटेबल कैमरा फॉर ब्रॉडकास्ट पर्पस इज इमेज और थिकन इमेज और थिकन उपयुक्त कैमरा है सबसे उपयुक्त कैमरा है प्रसारण उद्देश्य के लिए उन्नीस नंबर क्वेश्चन है हाउ इज द रेफ्रिजनेट यूज इन दर रेफ्रिजनरेशन साइकिल इन द कंप्रेसर इन द कंप्रेसर वायु प्रशिशन चक्र में रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है कंप्रेशन में आपका लास्ट क्वेश्चन है सी ओ पी ऑफ रेफ्रीजनेशन रेफर्स टू ये आपको कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस को रेफर्स करता है सी ओ एफ सी ओ पी का फुल फॉर्म आप कह सकते हैं कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस प्रदर्शन के गुणांक ग्रुप बी जो भी फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है उसे आप सभी देख सकते हैं चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अब यहाँ पे आपका ग्रुप सी का छः नंबर मार्क्स का क्वेश्चन है इसे भी आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके जाइए धन्यवाद